नमस्कार रूपक भाई। आदाब। नमस्कार। आप अब हमारे एकेडमी पेज पर हैं और मैं जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका खैर मकदम करते हैं हम, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे यहाँ आने के लिए इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने आपको याद किया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और आपके बारे में आज काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, आपके सफ़र के बारे में। ये तो जी ये जो सीरीज हमने शुरू करी थी, सोचा था कि थोड़ा सा, क्योंकि कोविड-19 चल रहा, ये काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो काफ़ी कलाकार लोग जो हैं वो जी घर में बैठे हुए हैं, ट्रैवल तो बंद है कलाकारों का। तो इस दौरान क्या क्या कुछ नया किया, क्योंकि रियाज भी कर रहे हैं, कुछ आइडियाज भी लग रहे हैं लोगों के, ये सात खैरियत से ये पैंडेमिक टाइम ख़त्म हो और दोबारा से काम शुरू हो। तो आपके कुछ ऐसे आइडियाज जो आपके जहन में, पहले आपके सफ़र से शुरू करेंगे, क्योंकि अच्छा मैं क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई प्रोफेशनल एंकर तो हूँ नहीं, वही कलाकार हूँ। तो कलाकार कलाकार के हिसाब से बात कर रहा है और कलाकार से ही बात कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा बहुत तो ज्यादा अच्छी इनफॉर्मल बात इंटरेक्शन है कि है ना। मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा वो ऐसे भाईचारे के होंगे जो कलाकार कलाकार आपस में पूछते हैं। जी मैं अच्छा, आप एंकर नहीं है फिर भी एंकर से ज़्यादा अच्छा आप करेंगे, क्योंकि आप तो खुद संगीत में डूबे हुए हैं, संगीत के बारे में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी है, तो आप वैसे ही सवाल पूछेंगे और हो सकता है कि मैं उसके जवाब में आपको दे पाऊँगा। नहीं नहीं बिल्कुल दे पाएंगे, माशाल्लाह आपने तो ऐसे ऐसी जगहों पर सवाल और जवाब किए हैं कि जहाँ प्रोफेशनल एंकर भी होते हैं, बड़े बड़े टीवी शोज हैं, बड़े बड़े जगहों पर ऑर्गेनाइजेशंस में आपके सेमिनार में भी और इंटरेक्शन सेशंस रहे हैं। तो रूपक भाई, आपका जो शुरुआती दौर है वहाँ से शुरू करेंगे कि जी आप क्या आपके परिवार में भी संगीत रहा है और पिताजी भी बहुत गुणी बांसुरी वादक हैं रहे हैं, तो उनके जी बारे में, उनका सिलसिला कहाँ से बांसुरी का है, बांसुरी के घरानों से, और आपका सिलसिला कैसे तालीम का शुरू हुआ, किस तरह इस तरफ को रुझान हुआ कि फ्लूट सीखूं, क्योंकि माशाल्लाह महाराष्ट्र में और बंगाल में पढ़ाई लिखाई के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और फिर उसके बाद फिर कुछ कोई एक्टिविटी, कोई शौक अगर है म्यूजिक का या किसी आर्ट का, कुछ देखा जाता है, लेकिन आपने वो शौक करके फिर एक ऐसी जगह नाम और एक स्थान बनाया है जो काबिले तारीफ है। धन्यवाद, आपने इतनी बहुत बड़ी तारीफ की मेरी, क्योंकि अभी मुझे अभी भी लगता है कि मैं मुझे अभी बहुत कुछ करना है, और शुक्र है एक तरह से कि अभी 3-4 महीना जो भी हमें समय मिला है तो मैं काफ़ी कुछ सोचा हूँ संगीत के बारे में, ऑफ कोर्स शास्त्रीय संगीत के बारे में, क्योंकि मैंने सब कुछ करके देखा है, फिल्म म्यूज़िक बजाया, फ्यूजन करके देखा, सब म्यूज़िक करके देखा, मगर हमारे जो रागदारी में जो सुकून है और जो ये चाहिए इंटेलिजेंस, उसका कोई जवाब नहीं है। तो दिन भर यही सुनता रहता हूँ मैं संगीत, किसी किसी का गाना, सितार, सरोद, सब कुछ सुनता हूँ मैं। और मेरे सफ़र के बारे में कहे तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है अभी तक, क्योंकि घर में संगीत होना, जैसे आपके घर में है, आपके तो मेरे ख्याल से कितने मैं आप छठी पीढ़ी हूँ, शायद 7वीं पीढ़ी है, मैं छठी पीढ़ी हूँ छठी पीढ़ी है, और आपके जी जी और आपके साहब दादे भी अच्छा बजा रहे हैं 7वीं पीढ़ी के,
तो इतने तो मेरी पीढ़ी नहीं है, मैं हमारे संगीत में तीसरी पीढ़ी हूँ। मेरे पिताजी के चाचा जी बजाते थे बांसुरी, सितार बजाते थे, और फिर मेरे ताऊजी सितार बजाते थे, और मेरे पिताजी पहले तबला बजाते थे। मगर उस वक्त जैसा आप जानते हैं कि संगीतकारों को, खासकर तबला प्लेयर्स को, ज़्यादा सम्मान नहीं होता है। ये आप देखें कि पुराने जो रिकॉर्ड्स है उसमें भी उनका नाम नहीं रहता था, चाहे नाम कितना भी मशहूर तबला प्लेयर हो। तो उन्होंने तंग आके फिर एक दिन अचानक वो ट्रेन से जा रहे थे कहीं, तो एक सज्जन मिले, अभ्यंकर जी। उन्होंने पूछा कि तुम बांसुरी बजाते हो? तो उन्होंने ऐसे कह दिया, हाँ बजाता हूँ। उनको कुछ आता नहीं था, बांसुरी भी नहीं थी उनके पास, कि हाँ बजाता हूँ। कि अच्छा, तुमको 10 दिन के बाद अफगानिस्तान जाना है किसी का आंसर के साथ, तो जाओगे? मैं कहाँ जाऊँगा। तो उन्होंने फिर जाके दादर में एक कोई था, कोई थे, उनसे बांसुरी खरीद के अपना शुरू किया। हो गया उनका, उस वक्त उनकी अच्छा, उम्र 33 साल थी। ओ हाँ, तब उन्होंने शुरू किया बांसुरी, और फिर बाद में अच्छे से सीखे, मतलब पन्ना बाबू के पास वो उनका सुनते थे, उनके घर जाके। और यहाँ घर के पास ही हमारे बगल में भी एक गायक थे, विष्णु बुआ मुंडे, तो वो रिटायर होके बरगोला से यहाँ बॉम्बे आ गए थे, तो उनके पास वो जाके रागदारी की शिक्षा ली। तो वाह, ये सब शादी के बाद उनके हुआ। ये बहुत बड़ी बात। तो उसके फिर बाद उन्होंने मैंने बात जब की आँख जी, खोली, जी नहीं मैंने कहा फिर वहां से वो फ्लूट का सिलसिला शुरू। फिर मैंने तबला छोड़ा, बांसुरी शुरू की, रियाज काफ़ी किया। मतलब काफ़ी रियाज किया, मेरी माँ कहती, मैं तो तब पैदा नहीं हुआ था। फिर जब मैं, मेरा जन्म हुआ तो सुबह से रात तक, तो मुझे कुछ बाकी पता नहीं कि मैं क्या करूँ। मतलब मुझे तो ये लगा कि बस संगीत ही करना है। तो शुरू में मुझे तबला सिखाया, मतलब अपने आप ही मुझे आने लगा। वो बजाते थे तो मेरी उम्र 1.5 साल थी, 18, तब मेरा पहला कॉन्सर्ट हुआ। और क्या बजा हुआ, मेरे पापा कहते कि तुमने 10 मिनट बजाया था उस वक्त, थोड़ा सा कायदा बजाया था, 3 तांग बजाया था। और उसके बाद मैं तबले के पीछे दिखा नहीं जा रहा था, तो एक हमारे मशहूर डॉक्टर थे बरेली के, उन्होंने मुझे आके उठा के बताया कि ये बच्चे ने बजाया इस तबला, क्योंकि उस वक्त छोटा तबला रहता, बजा ही था। तो उम्र के 9 साल तक मैंने वही किया, तबला बजाया। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ पता नहीं, पापा की बांसुरी थी वो घर में नहीं थे, मैं ऐसे लेके गया फूका, तो आवाज़ आ गई। और फिर उनको तो दिखाई था कैसे बांसुरी बजाया, तो ऐसे किया, तो अपना सारे गमा बजाने भी आ गया, जो कि बहुत मुश्किल है। फर्स्ट इंस्टेंस में, पहले चांस में सारे गमा बजाने बजाना। तो मेरे पिताजी के दोस्त ने सुना उसको, तो जब पिताजी आए तब कि तो तुम बांसुरी सुना, बांसुरी सिखाओ, क्योंकि ये बहुत कठिन वाद्य है, इसमें 9 साल की उम्र में बहुत अच्छे से उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में बजा दिया, तो उसको बांसुरी करने दो। अच्छा, तब से फिर पिताजी ने बांसुरी का बेसिक सिखाया, और ऐसा नहीं कि मुझे अलग से बैठ के सिखाया, उनके जो शिष्य आते थे उनके साथ ही मैं बैठता था, जी तो अपने आप सबके साथ ही जी मेरा शिक्षण हो गया। मगर चूंकि उनकी रागदारी की तालीम अच्छी थी, गायक के पास सीखे थे, तो राग काफ़ी मेरे अच्छे तैयार किए, मेरे टेक्निक भी अच्छा किया, क्योंकि फिर मेरे गुरु जी के पास भी उनका काफ़ी दोस्ताना था, मतलब मेरे गुरु पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी, वाह तो उनके साथ उनकी काफ़ी अच्छी मित्रता थी। और पिताजी उनसे बहुत बड़े थे, बस करीब 8-9 साल उनसे बड़े थे, फिर भी वो गुरु जी को गुरु मानते थे और उनके पास जाके सीखते। तो फिर धीरे धीरे मैं भी उनके साथ जाने लगा, और फिर जब 13 साल का था तब पिताजी ने बोला कि अभी तुम गुरु जी के पास ही जाओ, उनका गंगा बांधो। तो आई एम द फर्स्ट गंगा बांध शागिर्द ऑफ गुरु जी, दिस वॉज इन क्या बात, 1981। वाह वाह, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि ये मतलब एक लाइफ में लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाता है कि जब आप किसी गुरु के या उस्ताद के पहले शागिर्द जो कहलाए जाए, तो ये तो बहुत, इससे बड़ा मेरे ख्याल से कोई अवार्ड नहीं होता कि पहले शागिर्द जो होता है जी वो बहुत सही खास बात, होता है। तो भाई सही बात आपका है। जो माइक्रोफोन है ना उसमें इको ज्यादा आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो आपने अभी फ्लू के ठीक हिसाब से किया होगा। है? अभी, हाँ अभी अभी ठीक है, हाँ अभी अभी ठीक आ है, रहे हैं? बेटर है। जी 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 तो मैं अभी जीरो किया उसको। तो बहुत ये जो सीखने की शुरुआत होती है ये किस
किस उम्र में आप उनके घंटाबंध शागिर्द होंगे? 13 साल का था 13 साल के। वाह, और वो वहां से वाक्य। फिर वो हाँ जी, मुझे वो वाकई भी याद है कि क्योंकि पिताजी ने मुझे पूरा, मतलब मैं तैयार हो गया था, जो भी बेसिक, मतलब उनके पास जाने के लिए जो बेसिक बुद्धि चाहिए, बेसिक टेक्निक चाहिए, वो मैं मेरी हो चुकी थी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा, मैं कर चुका था, वो अपने आप हो गई थी, क्योंकि सारा दिन तो संगीत रहता था। और तब हमारा भाग्य अच्छा था कि स्कूल में इतना पढ़ाई भी नहीं होता था, होमवर्क भी नहीं होता था, और 2-3 टीचर मेरे घर के पास में रहते थे, मेरे सोसाइटी में रहते थे, तो वो भी अच्छा था कि मार भी कभी कभी अपने आप दे देते थे, कुछ नहीं आया तो भी, तो ये अच्छी बात थी। तो क्योंकि उनके पता था कि ये संगीत में ही जाएगा, ये एजुकेशन सिर्फ एक अच्छा एक संस्कार पाने के लिए करा है, और बाकी कुछ नहीं है। तो रियाज तो होता ही था। फिर गुरु जी के पास जब गया, तब उन्होंने बताया, अच्छा क्या क्या आता है, कि सब कुछ आता है मुझे, क्या अच्छा अच्छा यमन बजाओ, तो मैंने यमन बजाया, फिर भूपाली बजाओ, वो भी बजाया, दुर्गा बजाओ, वो भी बजाया, बताया कि गुजरी तो भी बजाओ, वो भी बजाया, बांकुश बजाओ, वो भी बजाया, तो क्या तुमको तो सब कुछ आता है, तो तुमको क्या, मैं क्या सिखाऊँ तुमको। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे गुरु जी कुछ नहीं आता है, सब मेरा बुद्धि ध्यान मतलब जमीन पे आ गई, लेकिन मुझे संगीत सीखना है उनसे। तो संगीत की स्किल जो होती है, जो बांसुरी को कैसे देखना है, बांसुरी को कैसे प्रेजेंट करना है कॉन्सर्ट में, गुरु जी के, मतलब गुरु जी से अच्छा ज़्यादा किसी ने सोचा नहीं था उस वक्त, इतने सारे बांसुरी वादक थे, मगर गुरु जी का जो बांसुरी का प्रेजेंटेशन है, तब से मुझे बचपन से सुन रहा था, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। तो उनका जो स्वर लगाव है, उनका जो राग को देखने का नजरिया है, और एक खास बात उन्होंने ये सोचा है कि बांसुरी के हिसाब से, हमारे फिंगरिंग के हिसाब से कौन से राग बांसुरी में अच्छा है सुनाई देंगे, क्योंकि हर एक साज में जैसे खामियां होती है, बांसुरी में भी है, तो वो खामियां हाँ नहीं देख के उसका जो पॉजिटिव जो है, वो कैसे हम उभर के श्रोताओं को सुनाएं, तो बहुत वो मैं अच्छा। काफी उनसे सीखा। तो ये हाँ संगीत में सीखने की बात है, ये दृष्टि एक होती है, विजन होता है, और दोनों तरफ होता है, मतलब गुरु को भी देना चाहिए, और शिष्य का कितना कैपेसिटी है वो देख के शिष्य भी कितना लेता है, क्योंकि गुरु तो देता ही रहता है, शिष्य की कैपेसिटी कितनी है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी आप जानती है। तो तो आपके आपके बाद की जन जब आप कंडमन शागिर्द हो गए, उसके बाद तो और भी शागिर्द हो गए होंगे जी सीखना, मतलब उनका भी वैसे ही चलता रहा होगा और शागिर्द। तो जब काफी शागिर्द हो जाते हैं, उन शागिर्दों में मतलब तालीम तो सबकी, कुछ कुछ गुरु एक साथ भी लेते हैं, कुछ कुछ इंडिविजुअली भी सिखाते हैं कि भाई कौन सीनियर है और कौन किसको क्या सिखाना, मतलब किस शागिर्द को कौन सा राग सिखाना है या अलंकार सिखाना है या क्या टेक्निक सिखानी है। तो उस दौर में आपके जो साथी, जो आपके गुरु भाई लोग, उनमें कौन कौन लोग थे जो आप आपको क्योंकि उस आपके वक्त सबसे थे सीनियर सीनियर शागिर्दों में आ गए? जी, नहीं मतलब सीनियर इन द सेंस, तब तो मतलब मैं जब जाता था पिताजी भी सीखते थे मेरे साथ, और एक किशनलाल सहगल जी थे जो दूरदर्शन में थे, वो मेरे पिताजी से भी बड़े थे, मगर वो भी गुरु जी को गुरु मानते थे, और वो खुद अच्छा बांसुरी बजाते थे, तो वो भी थे। फिर उसके बाद विनोद सहगल जी थे, विजय शेषाद्री थे, तो उनके बाद फिर मेरी और मेरे बाद फिर राकेश भैया के इनके हुए, राकेश जी के, राकेश चौरसिया जी के, हाँ तो उस और एक शिष्य थे गुरु जी के, रमाकांत पाटिल, वो भी बहुत अच्छा बजाते थे, उनका भी इंडस्ट्री में काफी नाम था। जी मगर एक बात होती है कि गुरु के प्रति समर्पित होना, तो वो मैं शायद मतलब भगवान की कृपा थी, मैं वो कर पाया। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। और वो आपके बजाने में और आपके पूरे अस्तित्व में दिखता है कि आपका जो डेडिकेशन है अपने गुरु के लिए और उस हुनर के लिए जो उन्होंने दिया, और उसको आपने बखूबी संभाल के उनकी देन को रखा है, उसको मेंटेन किया हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गुरु से सीखते तो काफ़ी लोग हैं, उसको मेंटेन करना और उस इज्जत को बरकरार रखना ये बहुत ज़रूरी है, ताकि वो गुरु का भी नाम ख़राब ना हो करेक्ट, अपने सबसे। तो कुछ ऐसी यादगार पल उनके साथ के आप शेयर करना चाहेंगे
सिखाते वक्त के दौर में कि कोई ऐसा खास पल तालीम के दौरान? उनका सिखाना ऐसा है कि वो खुद बजाते हैं, बजाते रहते हैं, चाहे 2 घंटे सिखाए, 1 घंटा सिखाए, 3 घंटा सिखाए, और जितना हमें वो समझ में आए उतना हमको लेना है, फिर घर जाके उसको प्रैक्टिस करना है, सोचना है। वो कभी नहीं कहते कि इस फ्रेज को ऐसा बजाओ, इस फ्रेज को वैसे बजाओ, या इस वो टेक्निकली वो कुछ कहते नहीं, मगर उनका टेक्निक देख के हमको सीखना है। अच्छा, और रागदारी भी वो आरोह कहते हैं, और कहते कि इसमें ये वर्ज है, और मतलब बेसिक बता के फिर, क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट का नज़रिया बहुत डिफरेंट होता है, वो हाँ बुकिश बुक के हिसाब से वो मतलब बुक आउट ऑफ द बॉक्स हमेशा सोचते हैं। जी तो हम उसमें से क्या चीज़ ले सकते हैं, उसको हम कैसे अपने अंदर डाल सकते हैं, और अपने हिसाब से कैसे बजा सकते हैं, ये हमको सोचना है। सही तो एक वाक्य बताता हूँ, हम जब फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था रशिया में 1987 में, तब हम करीब 3 महीना थे, मैं, राकेश और एक मेरे पिताजी के शिष्य बैजू, और गुरु जी के एक शिष्य महावीर प्रसाद जी थे, और मदन मिश्रा जी, पंडित मदन मिश्रा जी संगत पे थे, तबले पे। और हम गुरु जी का एक हमारा ग्रुप, और फिर शिव कुमार शर्मा जी का एक ग्रुप, बिरजू महाराज जी का ग्रुप, करीब 40-50 लोग थे, और शिव जी के साथ 4-5 लोग थे, पंडित सतीश व्यास, पंडित नंद कुमार, नंद किशोर मुगे, वो सब थे। बहुत अच्छा, राम पंडित राम राम नारायण जी, उनके दोनों बेटे, दो और शिष्य सब थे। तो एक ये दो कहाँ की बात महीना है? ये रशिया की, यूएसएसआर, तब रशिया था, अच्छा। वो आईएसएसआर के थ्रू वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था। तो उस समय हर एक को मतलब सबको 5 स्क्वायर में रहना था, और मैं और बैजू हम रूम शेयर करते थे, गुरु जी को अलग कमरा, हर एक को बाकी कमरे थे। तो सब ब्रेकफास्ट से लेकर रात को डिनर तक हम सब साथ में रहे, खाना खाते थे, ब्रेकफास्ट मैच के साथ में होता था, और जो कॉन्सर्ट होता था शाम को, हर एक को 20 मिनट, आधा घंटा ऐसे था, तो 2 घंटे में कौन सा खत्म हो जाता, तो बाकी सारा दिन फ्री रहते थे। तो रोज सुबह हम, गुरुजी हमको सुबह 6 बजे उठा के कहते कि चलो वॉक पे चलो, वो हम जॉगिंग करते थे, और गुरुजी और पंडित मदन जी वॉक करते थे। तो हम, ये रोज का था, और रात को हमेशा सुबह कहते थे सब दूध दूध पी के सो जाओ, तो इतना इतना ग्लास दूध सबको अपने सामने, डिनर के बाद कैसे हमारे सामने पियो। ये ऐसा तो है और मैंने। हाँ, 6 से 8 हम वॉक करके आ गए, फिर ब्रेकफास्ट करके 9 से 12 वो हमेशा हमको सिखाते थे अपने ही कमरे में। तो ये 2-3 महीने जो हमारे गए बहुत जिंदगी के, ऐसा मौका फिर सबके साथ कभी आया नहीं, गुरुजी के साथ तो मैं बहुत घूमा, और ऐसा मौका फिर कभी किसी के साथ, कभी किसी को भी नहीं आया, जो मैंने और बाकी के राकेश साथ जी इसको को हाँ अनुभव किया है। क्योंकि और उस वक्त मोबाइल भी नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, तो सारा फोकस हमारा बांसुरी पे ही था, और रियाज पे था, और गुरु जी के सानिध्य में था। तो वाह, एक बहुत वाक्य बहुत बड़ा है, और उसमें भी तो ये गुरु खासतौर जी से कहते ऐसी थे, जगह। जी गुरु जी कहते थे कि अगर घूमने जाना तो जाओ, मगर मैं एक दिन भी घूमने नहीं गया, मैं लेकिन गुरु जी मैं आपके साथ बैठ गया। तो उन्होंने करीब 5-6 दिन ऐसा हुआ कि सिर्फ मैं अकेला था, सुबह 9 से 12, फिर शाम को 3 से 6, सिर्फ मुझे सिखाया राग भैरवी और राग दरबारी। नहीं, वो देखिए उस्ताद भी शागिर्दों में से वो नजर रखते हैं, क्योंकि उनके लिए तो सारे शागिर्द बराबर हैं। लेकिन कौन सा शागिर्द है जो खास लगा रहता है खिदमत में, गुरु की सेवा में, जो जो जैसे आपने कहा कि समर्पित होना? तो ऐसे गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है और ऐसे शागिर्द मिलना भी बहुत मुश्किल है कि गुरु की इस तरह से सेवा करें और गुरु ईमानदारी से उस सेवा को देखे कि भाई मेरा ये शागिर्द जो है, ये इस शागिर्द ने इतनी सेवा की है, खिदमत करी है, तो इल्म भी फिर वो बेइंतहा बताते जी हैं गुरु, जो अच्छे गुरु होते हैं। एक और खास तौर पे जो बड़े बड़े जो गुणीजन हैं और खासकर ऐसे लेवल पे पंडित जी या और काफी उस्ताद लोग पहुंच गए हैं, जी
कि उनके साथ रहना, बैठना, उठना, फिर उसके साथ संगीत सीखना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बड़ी बात है। एक शागिर्द, एज ए शागिर्द, तो उसमें एडवांटेज भी मिलता है और डिसएडवांटेज भी मिलता है। जी तो मेरा ये एक सवाल है कि आपकी इस जर्नी में उनके साथ जुड़ने से इल्म मिला, ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। उनका एक साथ मिला और अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ उम्र दे। जी तो लेकिन बिसाइड ये सब एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेज कभी कुछ ऐसा आपको फील हुआ, या कुछ मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस? हाँ, मतलब कहते हैं कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ नहीं पनपता पनपता है। जी। तो ये मैंने बहुत बचपन में ये सुना था, ये कहावत। तो मैं सोचा कि मैं इसको एक्सेप्शन बन जाऊंगा, इसका अपवाद मैं बन जाऊंगा, क्योंकि गुरु जी तो है ही महान, मगर उनका नाम रखना है तो मुझे भी इतना कुछ करना होगा जो उनका नाम रहे। क्योंकि तो उनका नाम तो रहेगा ही, मगर ये भी होता है कि गुरु, हर एक गुरु के कितने शिष्य कौन कैसे तैयार है, ये भी हमारे संगीत जगत में देखते हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत बहुत नाम किया, मगर उनके कोई शिष्य नहीं है कहने के लिए। तो बिल्कुल मैं शुरू से ही मेरा सोचता है कि गुरु जी का नाम हमेशा रखूंगा, और अच्छे से रखना है तो अच्छे से रियाज करना है, अच्छे से चिंतन करना है, अच्छे से सोचना है। और उन्होंने जो किया है उसमें वो तो करना ही है, उसमें और हम क्या कर सकते हैं। ये बात मैंने खुद गुरु जी को जी पूछी थी कि गुरु जी आपने तो सब बजा दिया है, मगर मैं आपको, मतलब मुझे आपसे क्या उम्मीद है कि मैं क्या करूं। क्योंकि जब घूमता था तो हमारे बहुत सारी बातें होती थी, जब ट्रैवलिंग में तो काफी समय मिलता था तो गपशप होता था। तो मेरे को कि अगर मैं आपका ही ढांचा बजाऊंगा तो कहेंगे कॉपी है, तो मुझे क्या करना चाहिए। और अगर नहीं बजाऊंगा आपका ढांचा तो कहेंगे कि तुमने क्या सीखा गुरु से। तो ये दोनों जी बातें, तो कि बेटा तुम सोचते रहो आ जाएगा, तुम भगवान से मांगते रहो सब हो जाएगा। तो बात सही है, मतलब क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम सोचते रहो भगवान दे देगा, तो मेरे कहा कि मेरे भगवान आप ही है, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका नाम रख सकूं, आपका नाम आगे बढ़ा सकूं, जो कि मैं चाहता हूं कि मैं जाना जाऊं कि सबसे अच्छा शिष्य आपका मैं ही हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, आप मेरे भगवान हैं। तो मैं कि देखो इसी में कुछ, आप जो जगह तो करता हूं मैं, इसी में और कुछ सोचो, और तबले के साथ जो मैं करता हूं उसमें और कुछ सोचो, क्या कर सकते हो। तुम सोचोगे तो आ जाएगा, नहीं सोचेगा तो नहीं आएगा, क्योंकि ये विद्या ऐसी है कि जिसने किया उसको आया, जिसने नहीं किया उसको नहीं आया। हाँ, तो कर्तव्य सब करते कर्तव्य की रहना, विद्या। कर्तव्य की विद्या, तुम करते रहना आ जाएगा। तो मैं वही सोचा, फिर मैंने सोचा कि गुरु जी का आलाप तो बहुत, जो आलाप बहुत ही गहरा है, तो उसको तो मैं सोचा कि उसको वैसे रखूंगा, झागे को थोड़ा मैं और थोड़ा सा और फास्ट करूंगा। तो मैं जब झागा बजाता हूँ तो अच्छा दो टेम्पो में बजाता हूँ, एक मतलब थोड़े से बराबर से थोड़ा ऊंचा, और फिर अति द्रुत के उसमें, ताकि एक अच्छा प्रसंग होके वो पोर्शन खत्म हो जाए। पॉसिबल। और फिर जब तगमे के साथ संगत हो, संगत में आते हैं तगमे, तो मैं सोचता हूँ कि जैसे जो दोस्त हंसी मजाक करते हैं, प्यार से खेलते हैं, जी तो जी वो भावना हमारे मेरे बजाने में आ जाए। तो के शुरुआत को जब मतलब तबला आप प्लेयर आते और आप। हैं, हाँ, एक दोस्त के हिसाब से होना चाहिए। जब शुरुआत को जो पोर्शन है आलाप जो का, वो भक्ति भक्ति रस से जुड़ा हो और भगवान को समर्पित हो, और दूसरा पोर्शन जो हमारे मित्र होते, मतलब जो के जिंदगी में मित्र भी बहुत जरूरी है, तो उनके साथ कैसे कन्वर्सेशन हो, तो वो मैं हमेशा सोचता हूँ, उसी के हिसाब से मैं मेरा परफॉर्मेंस करता हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत अनुभव भाई। मैं थोड़े थोड़े से यहाँ कमेंट्स सबके आ रहे हैं, सबके तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। मैं कुछ कमेंट्स आपके लिए। अच्छा, ये अरुण साठे जी आपको नमस्कार कह रहे हैं, प्रणाम कह रहे हैं।
और मुझे भी नमस्कार कहना। अरुण जी बहुत बहुत नमस्कार, और हमारी एकेडमी से भी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आई हैं। और शेखर जोशी जी, आपको गुरु जी प्रणाम कह रहे हैं। जी अनुरतन जी ने नमस्कार कहा है, नमस्कार अनुरतन जी, आपको भी नमस्कार कहा है। लोकेश आनंद जी ने, वाह, अरे भूपेश भाई बहुत अच्छे सेने भेजे थे आप, बहुत सुना है आपको। आपके हमारी एकेडमी से आपके लिए ये मैसेज, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ। रूपक भाई, आप सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार ही नहीं बल्कि एक बहुत विनम्र और बेहतरीन इंसान भी हैं। वो और वही आपके काम में दिखता है। आपको मेरा विनम्र प्रणाम। हम थैंक यू सबकी तरफ से आपको जी। बहुत बहुत मुबारकबाद। और क्योंकि अभी ये गुरु शिष्य परंपरा के जरिए जो तालीम सीना बसीना हम लोग बोलते हैं कि जो जो तालीम चलती है वो आपने माशाल्लाह ली, और उसके बाद फिर एक दौर ऐसा भी आया कि उस तालीम लेने के बाद मार्केट के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर जो जो क्लासिकल की एक बड़ी मतलब विशाल फील्ड है, बड़े बड़े जी कलाकार और मतलब हर कलाकार उसमें भाग दौड़ रहा है और अपने हुनर को पेश कर रहा है जो भी गुरुओं से सीखा है। तो जी उस वो कौन से ईयर था कि जब आपकी पहली परफॉर्मेंस एज ए आर्टिस्ट, सोलो सोलो आर्टिस्ट हुई? वो शुरू से मतलब मेरे ख्याल से गुरुजी के पास जाने से पहले ही हुई। 1979 में मेरी उम्र 11 अच्छा साल अच्छा की थी। अच्छा तब अच्छा 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 बड़ोदा में, तब मतलब चिंगन्स ईयर था वो। पूरे हिंदुस्तान में बच्चों के कॉन्सर्ट होते थे, तो मेरे भी काफ़ी कॉन्सर्ट हुए। और 1979 का मेरा फर्स्ट कॉन्सर्ट जो बड़ौदा में हुआ था हाँ हाँ महाराजा बैरभाग जी के दरबार में, उस अच्छा समय 1500 ऑडियंस थे, पैक था। ओहो। हाँ, और आपकी उम्र थी 11 साल? 11 साल। माशाल्लाह। और उसका वाकया भी बहुत मज़ेदार है। हम ट्रेन से जा रहे थे बड़ौदा में, मेरे पिताजी भी साथ में थे, क्योंकि वो उन्होंने मेरा सब तबला बजाया था, क्योंकि पेमेंट तो आपको पता ही है, उस वक्त भी नहीं था जी हाँ, उस जमाने में तो और भी और भी बच्चे थे वो, तो और अच्छा भी तो मैं इतना घर से स्टेशन आ गया तो ट्रेन में बैठा, और पिताजी ने पूछा कि बांसुरी कहाँ है। मैं कि आपने लिया नहीं बांसुरी? तो मैं कहते मैं क्यों फिर हम ट्रेन से वापस उतर गए। रिजर्वेशन था उस वक्त, तो रिजर्वेशन मिलना भी बहुत मुश्किल था। तो वापस हम घर आ गए, फिर बांसुरी लेके फिर दूसरे ट्रेन से खड़े होके, फिर काफ़ी देर खड़े होके हम बड़ौदा पहुंच गए। तब तो 6-7 घंटे लगता था बड़ौदा पहुंचने में। तो ये फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम मैं बांसुरी भूल गया हूँ कॉन्सर्ट के लिए। ओहो, तो बड़ा मुश्किल होता है कि साज ही अगर भूल जाए। और अच्छा, साज भी मैं माशाल्लाह ऐसा है ना कि ट्रैवल करने के लिए इजी रहता, पता नहीं चलता कि सोचा कि पिताजी ने तबला लिया तो बांसुरी भी लिया होगा तो वहां वहां किसी से ली या दोबारा जाना पड़ा? नहीं, हम शुक्र है ट्रेन चली नहीं थी, हम उतर गए वापस। ओ अच्छा। हाँ, तो ट्रेन तो रिजर्वेशन था वो अभी गया उसमें, मगर फिर दोबारा से हम जनरल बैग के चले गए थे। चंद्रा जी ने एक मैसेज भेजा है। चंद्रा जी बहुत बहुत नमस्कार और चंद्र आपके लफ्जों के लिए। हेलो, टू ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट, हेलो मुराद भाई, हेलो रूपक भैया, बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया कि आप इस सेशन में जुड़े और आप देख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले तकरीबन 1-1.5 महीना पहले चंद्रा जी ने भी एक सेशन किया था और बहुत लाजवाब सेशन रहा वो। आपका मेरा भी भी सुना? जी जी मुझे मुझे याद है बिल्कुल। जी, इसमें और मैं इसका जिक्र कर दूं, आगे कैसे हो जाएगा पूरा। हाँ, जरूर जरूर कर दीजिए। 21 जुलाई को है लगातार आर्ट्स यूके के लिए, आप बहुत अच्छी जरूर बात है, देखें, जबकि इंडियन टाइम है। अरे बहुत 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 अच्छी बात। तो मेरा आपको अभी से बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बेस्ट विशेष आपको भी, चंद्रा जी को भी, कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे बेहतरीन बेहतरीन कलाकारों के साथ जो डिस्कशन मैं कभी कभी सुनता रहता हूँ, और उससे भी बहुत कुछ सुनने से भी काफी कुछ मिलता है, इल्म मिलता है, तजुर्बे सुनने को मिलते हैं।
सब अच्छा एक्टर्स को ही करते हैं, जैसे आपको किया तो अच्छे ही करेंगे ना। देखिए मुझसे पहले तो आपको आपको किया है उन्होंने, नहीं तो अभी आपकी अभी तक किया नहीं था, अभी 10 दिन पहले उनका फोन आया था कि आपको करना है। अच्छा 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 तो अच्छा आप सीनियर हो गए मेरे से। नहीं, ये तो आपका प्यार है, लेकिन ये है कि आपकी जो जर्नी, जो जर्नी है, जो सफर माशाल्लाह इतना अभी तक के लेके आए, और उसको बाखूबी आप ये भी कह रहे हैं पॉजिटिव वे में कि बहुत अच्छा सफर रहा है, जी कलाकारों के मुंह से ये ये सुनना कि बहुत अच्छा सफर रहा है, ये बहुत कम लोगों से सुना है, वरना जी स्ट्रगल तो क्योंकि कलाकार हैं तो स्ट्रगल तो चलता रहता है, और वो किसी ना किसी अंदाज में, किसी ना किसी वे में, चाहे वो आर्ट फ्रेटर्निटी हो या लॉबीज आजकल चल गई हैं, तो उसके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे कि ये जो लॉबीज सिस्टम आज देखने में सुनने को मिलता है, या जो पॉलिटिक्स चलती है, वो तो आप उस कुछ वक्त भी मतलब अभी की बात थोड़ी, वो तो पुराने जमाने में भी होगी, 200 साल पुराने तब भी होती होगी, पहले भी पहले पॉलिटिक्स, हाँ, लेकिन भी होती। पॉपुलेशन के साथ साथ कलाकारों में भी वो बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि ये कहूँगा दूसरे हिसाब से, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटीज वैसे कम है, क्योंकि हर एक कलाकार चाहता है कि हम स्टेज पे परफॉर्म करें, न कि जी फेसबुक पे या यूट्यूब पे। जी क्योंकि जो कोई भी हो, मतलब बिगिनर भी हो या कोई भी हो, वो चाहता है कि हम पब्लिक के सामने परफॉर्म करें। तो ऑर्गेनाइजेशंस कम हो गई है, तो आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ऑर्गेनाइजर का भी एक दिलेमा होता है कि किसको शेड्यूल करे किसको नहीं करे। तो मैं इस बात का मतलब किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये ज़माना ही ऐसा है कि कोई कुछ कर नहीं सकता। जैसे अभी हम कोरोना में है, कोई कुछ जी नहीं कर सकता, क्या कर सकता है। हाँ, खासकर ये जो दौर चल रहा है, काफी लोग फेसबुक पर जैसे लाइव वगैरह करते हैं, और उसमें कुछ खास अच्छे कलाकार या अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो कलाकारों को लाइव, मैं कॉन्सर्ट की बात कर रहा हूँ, ये इंटरेक्टिव सेशन तो अलग होगी बात, लेकिन जो प्रॉपर कॉन्सर्ट फेसबुक पर या किसी और यूट्यूब पर करवाते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि भाई अगर वो कलाकार खुद करवा रहे हैं तो सोचना चाहिए, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पे कर सकती है कलाकारों को, करेक्ट, तो आप अगर प्रोफेशनल फी नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन एक नजराने बतौर उस सही, कलाकार की और उस कला की रिस्पेक्ट करना जरूरी है कि भाई थोड़ा सा नजराना हमारी तरफ है, तो उसमें सही बात, कुछ ऐसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो उस चीज का ख्याल रखती हैं, उसमें चंद्रा जी की भी ऑर्गेनाइजेशन को मैं मेंशन करूंगा, और जी एक जी हमारे अच्छा आपने बता दिया चंद्र जी का, तो मैं थोड़ा सा अपेक्षा रखूंगा। या हमारे सिद्धार्थ भाई हैं, अभी इस लॉकडाउन के दौर में भी 21 जून को उन्होंने लाइव कॉन्सर्ट फतेह भाई का और मेरा किया, देखा उसको, देखा तो कौन सा, बहुत जी अच्छा हुआ। जी तो वो बहुत, मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह के कुछ लोग आगे आए, और कुछ लोग होंगे जो जरूर ये इस तरह का काम कर रहे हैं। अच्छा चंद्रा जी के जो गुरु भाई है संजय जी, उन्होंने भी जी मेरा किया था, और मुझे मतलब एक नजराना दिया था, जी जी वो यूएस देखिए यूएस हाँ। तो अगर इस लोग नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा। जी, और वो एक एक रिस्पेक्ट है, और अगर मुझे किसी अपने फॉलोअर्स ही बढ़ाने हैं, तो फिर मैं अपने फेसबुक पेज पर या अपनी एकेडमी सोसाइटी के पेज पर लाइव आऊंगा, उसमें मैं अपने आप से तो खुद से चार्ज नहीं करूंगा, तो वो मुझे एक एक तरह से सेटिस्फेक्शन होगी कि ठीक है मैं अपने पेज पर आ रहा हूँ, तो जी यहाँ ये मेरा घर है, पेज नहीं मतलब मेरा घर है, तो मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ, करेक्ट, तो मैं अगर अपनी तालीम, अपनी चीज कहीं और किसी के लिए बजाऊंगा, तो उनको सोचना चाहिए कि भाई एक दूसरे क्योंकि कलाकार को हमने बुलाया, तो उसको कुछ नहीं, इसमें कुछ यह थोड़ा है बहुत नजर आना चाहिए। नहीं, इसमें यह है कि ये हमेशा नेट पे रहेगा, तो कोई कभी भी उसको एक्सेस हो सकता है, तो ये फ्री में हो जाएगा, जी और जी फ्री का मतलब उसका महत्व नहीं रहता फिर इतना। जी जी सुधीर, अच्छा मैं जरा पढ़ लूँ कि ये दोनों के लिए चश्मा है या नहीं, ये मैं यहाँ शो करता हूँ। मुराद भाई, ये खूबसूरत आयोजन है, रूपक जी के अनुभव उससे भी अनूठे हैं, बड़े गुरु के पास सीखने मिलना भाग्य ही है,
पर उसे निभाना और भी कठिन है। गुरु की प्रतिष्ठा का हमेशा दबाव होता होगा, उसे रूपक जी जी ने बखूबी निभाया। बधाई एवं प्रणाम। थैंक यू सुधीर जी। तो आपके चाहने वाले, आपके संगीत के चाहने वाले काफी यहाँ पर, देखिए प्रशांत सी वी बांसुरी जी, प्रणाम भैया, जी, ये आपको मैं शुरू करूंगा। हाँ जी, ये भी मेरे शिष्य केरला में रहते वाह, हैं। अरे वाह। तो रूपक भाई, आपके अभी तकरीबन कितने शिष्य होंगे जो अभी अच्छा काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं? कुछ 5-6 शिष्य अच्छे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, और 15-20 तो ऐसे है कि वो भी अच्छा करेंगे। वाह वाह, तो 5 और 15 20, मतलब तकरीबन 25 के करीब 30 शागिर्द आपके हैं कि हाँ जो इस वक्त आपसे तालीम ले रहे हैं। जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि माशाल्लाह आप बांसुरी का प्रचार कर रहे हैं। और मतलब सभी अपने अपने ढंग से, अपने अपने घरानों के हिसाब से, अपने अपने जो सिस्टम है उसके हिसाब से हर साज का प्रचार करते हैं। बांसुरी के भी घराने, जिस घराने से वो आप बिलोंग करते हैं, उनके यहाँ भी काफी प्रचार बांसुरी का होता है। और ये जो आपका अपना जैसे अनुभव बताया कि पिताजी से कैसे सीखा और पंडित जी से कैसे सीखा, इनके अलावा भी कोई और आपके जो जी जिन्होंने इंस्पायर किया हो, फ्लूट हो, गाना हो? हाँ, मतलब इंस्पिरेशन तो मुझे हर आर्टिस्ट से आता है, चाहे कितना भी वाह छोटा हो, क्योंकि वाह, हर एक इंसान में, मैं आर्टिस्ट की बात ना करूँ, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती है और कुछ ना कुछ बुरी बातें भी होती है। तो मैं जिसका जो अच्छा है उसका ही सोचता हूँ, उसका ही लेता हूँ। तो कितना भी कोई भी छोटा आर्टिस्ट, मैं उसका सुनता हूँ, उसकी जो अच्छी बात है मैं उसको अपने अंदर कोशिश करता हूँ कि वो आ जाए। गाना बहुत बजाने की तो शुक्रिया। बात ही है, मगर दो आर्टिस्ट अगर उनका मैं जिक्र नहीं करूँगा तो नाइंसाफी होगी, मतलब बदतमीजी होगी मेरी। एक तो बहुत ही फेमस गायिका थी विदुषी, पद्मावती बाई सालीग्राम जी, जो पद्मावती गोखले नाम से भी जाना जाती थी, तो जयपुर की वाह थी, किशोरी जी वाह की, उनसे भी थोड़ी सीनियर थी। वाह, अच्छा वाह वाह, उनसे मेरा ये भी मेरा भाग्य था कि हमारे घर के पास ही रहती थी वो, मतलब मेरे घर से बस निकलती थी 5 पैसे में, जी 5 पैसे जी टिकट का, 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाता था मैं, जी हाफ टिकट लेके। जी उनसे मैं काफ़ी राग सीखे, अच्छा वाह, और मतलब क्योंकि उनके साथ अब्बा जी ने भी संगत किया था। आप सोचिए मतलब कितनी लेवल की वाह वहाँ की सुन, वाह वाह बहुत प्यार से सिखाती थी वो। 2 घंटा में, 2 घंटे के लिए जाता था, 15 मिनट सिखाती थी और 2 घंटा लेक्चर हो जाता मेरे ऊपर। तो वाह, वो 15 मिनट भी बहुत होता था, क्योंकि तो उसमें 15 मिनट में भी 15 घंटे का वो एक मैकर मिलता था। तो उनसे भी काफ़ी राग सीखे मैंने। और फिर उस्ताद बाबा अब्दुल रशीद खान साहब, वाह, जो रायबरेली के थे और मेरे हाँ, मेरी पत्नी रूपाली के गुरुजी थे, अरे उस्ताद अब्दुल रशीद खान साहब, हाँ जी, जो बाद में कलकत्ते में थे वो, हाँ जी, तो मेरी पत्नी वाह उनकी पहली शागिर्दा, प्रोफेशनल शागिर्दा है। वाह वाह, मैंने करीब हर हर दिन उनके घर पे जाके वो चार चार पांच पांच घंटा सिखाते थे हर रोज। और ये भी रूपाली जी को भी काफ़ी सिखाया, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करके अच्छा गाती थी वो। तो हमारी जब शादी हुई तो मुझे, मैं तो उनका दामाद हो गया, क्योंकि वो उनको बेटी मानती थी, तो मैं दामाद हो गया। तो मैंने कहा कि बाबा आपके पास सीखना है, हाँ आ जाओ, कब वाह, आओगे? मैं जाता था 10-15 दिन जाके, कलकत्ता तब वो SRA में शिफ्ट हो गए थे जी, जी, तो तब मैं जाके उनसे पास रह के सीखता था मैं। तो उस वक्त उन्होंने भी काफ़ी राग सिखाए, काफ़ी बंदिशें मुझे दी। और मैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि हर एक साज में खामियां होती है, जी बासों में भी, तो उस खामियों को छिपा के हम जो अच्छी चीज़ है वो कैसे पहुँचाए। जी तो राग तो मैं काफ़ी सीखे, मैं उसी उसी रागों में से कौन से राग मेरे हमारे बांसुरी के गायन के लिए अच्छे होंगे वो मैं चूज करके बजाता हूँ, बहुत क्योंकि अच्छी बात हमको है, ये तो इतना बहुत है। अच्छी हाँ, जी, 100 चीज़ें हैं तो उसमें से 2 चीज़ें हमको मिल सकती है।
ये तो पेशेंस आपकी का। कदर जी के, और ये समझ भी ऊपर वाला किसी किसी को देता है कि बहुत ज्यादा जो जिसमें जो कुछ बंदिशें हैं हर राग में, जैसे आपने कहा कि चाहे वो फ्लूट हो, सितार हो, या सारंगी हो, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कंप्लीट तो कोई भी नहीं है, कंप्लीट कोई नहीं, गलत तो सिर्फ वो नहीं है, मालिक है। हाँ बस नहीं, वो ये मालिक है तो हाँ बस गली। वही है। हाँ, तो जब कंप्लीट कोई नहीं हो सकता तो कोई ना कोई कमी जरूर होती है। और जी हमारा सवाल जरूर, अच्छा तो जिस तरीके से आपने बताया कि क्या बेहतर हो सकता है फ्लूट में, क्या बेहतर कर सकते हैं, या किसी भी साज में, मैं सारंगी में सोच सकता हूँ, वो भी सारंगी में क्या बेहतर हो सकता है, तो इस तरीके के सोच वाले और उसको फॉलो करने वाले और उसके बाद उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने वाले बहुत कम कलाकार लोग हैं, और उसमें माशाल्लाह आपका नाम बहुत उम्दा तरीके से लोग आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, और आता है। मैं इतना नहीं, मैंने कुछ नहीं कुछ कुछ है। जो हमारे जो कुछ सवाल भी आ रहे हैं, तारीफ तो आपकी जो मैं कर रहा हूँ वो जेन्युइनली कर रहा हूँ और करनी भी चाहिए। सबके सामने मत कीजिए, क्योंकि तो ये बाद में कोई देखेंगे तो फिर किसी को हजम भी नहीं होगा, कभी ऐसे बहुत सारे हो गए। हमारी एकेडमी की तरफ से रूपक भाई, आप लोगों ने जिस शिद्दत और ईमानदारी से आपने, हाँ जी, ये सवाल आपके लिए कि क्या आपको ऐसी डेडिकेशन अभी के शागिर्दों में नजर आती है? है ना, क्यों नहीं है? तो उन शागिर्दों में किन किन का नाम आप लेना पसंद करेंगे? नहीं, मैं किसी 4-5 लोगों का नाम लूंगा तो फिर बाकी 15-20 नाराज हो बाकी जाएंगे, नाराज दस में हो जाएंगे। भेजेंगे, सभी रियाज अच्छे हैं। रियाज नहीं करेंगे। नहीं मतलब सभी अच्छे हैं, मतलब मैं जब किसी को सोचता हूँ कि इनको सिखाना है तो पहले मना कर देता हूँ। अच्छा, पहले हाँ, मना कर देते हैं। मना कर देता हूँ, और या फिर कहता हूँ हाँ बाद में बाद में बाद में, अगर उनको वाकई ही मेरे से सीखना है तो फिर मैं एक समझ जाता है कि हाँ ये है, और फिर एक सिक्स सेंस भी रहता है कि पॉजिटिव वाइज भी रहते हैं कि ये कैसे हमसे सीखने जुड़ेगा, की लालसा कितनी, दोबारा अगर सीखना है तो दोबारा कितनी जिद है। करें। हाँ, और मेरा भी दायित्व तो बनता है कि मैं भी उनको उनको जो चाहिए वो मुझे भी देना चाहिए, जी क्योंकि जी मैं जी जैसे बोलूंगा वैसे आएगा। जी मैं बिल्कुल सही बात। कुछ नहीं सिखाऊंगा, कुछ उनको ध्यान नहीं दूंगा तो फिर वो भी नहीं आएंगे, और संगीत का भी नुकसान होगा उसमें, संगीत का ही नुकसान होगा, बिल्कुल सही बात। क्योंकि ना मेरा होगा ना उनका होगा, क्योंकि हर एक की जिंदगी अलग है, वो मैं मेरे हिसाब से जीऊंगा, वो उनके हिसाब से जीऊंगी। मगर जो आदमी वाकई ही जो शिष्य बन के संगीत को करना चाहता है उसको मैं नहीं सिखाऊंगा अच्छे से तो फिर संगीत की तोहीन हो जाएंगी वो, फिर बहुत संगीत मुझे कभी बहुत अच्छी माफ बात, नहीं। नहीं ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत नेक दिली है कि शागिर्दों को इस तरह से सिखाना बताना। और माशाल्लाह मैं कुछ शागिर्दों से आपके मिला भी हूँ, और जिस शिद्दत से वो आप उनको सिखाते हैं उसी शिद्दत से वो आपको वो इज्जत भी देते हैं कि जो एक गुरु को देना चाहिए। सभी शागिर्द मेरे बहुत अच्छे इंसान भी है, क्योंकि अच्छा जी इंसान जी तभी तो अच्छा आर्टिस्ट बनेगा। जी 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 हमारे साथ अभी इन्नी भाई जुड़े हैं, और आपको नमस्कार करें। इन्हीं नमस्कार भाई रूपक नमस्कार, जी। आप इतना अच्छे फोटो खींचते हैं, इच्छा होती कि मैं भी आ जाऊँ आपके पास फोटो खींचने। अरे बिल्कुल बिल्कुल। और सुजय सुधाकर जी आपके शायद मेरे ख्याल से शिष्य हैं। प्रणाम गुरु जी। हाँ गुरु सुजय, शिष्य जी, गुरु शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये सवाल उनका, तेरे तो जवाब देना है मुझे इसका। वो आपसे पूछा है उन्होंने कि गुरु शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए। बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि उसका कुछ नाम नहीं हो सकता है, गुरु शिष्य का रिश्ता कैसे होना चाहिए, क्योंकि वो एक इल्यूजन है, वो कैसे होना चाहिए वो कोई कह नहीं सकता, बस रूह से रूह तक होना चाहिए। वाह, गुरु कुछ बिना कहे शिष्य को समझना चाहिए और शिष्य को बिना कहे गुरु को समझना चाहिए, जब तक ये ब्लूटूथ ट्रांसफर नहीं होता है बोथ वेज तब तक जी वो रिश्ता नहीं बनता है और टिकता भी नहीं फिर। हाँ सही बात है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये वाकई कि ये
बयान करना गुरु और शिष्य का एक क्या रिश्ता है, ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल दोनों के रिश्तों में ईमानदारी बहुत वो भी बहुत कम सुनने को या देखने को मिलती है, चाहे वो घरानेदार लोग हों, चाहे वो मतलब एक जनरेशन दो जनरेशन बाहर के लोग, क्योंकि वो वन साइड रिश्ता नहीं कायम हो सकता। अगर गुरु बहुत अच्छा है तो शागिर्द निकम्मे निकल जाते हैं, या तो रियाज नहीं करते या कुछ नहीं करते या कुछ भी हो सकता है, और या फिर शागिर्द बहुत अच्छे होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं, गुरु चाहते हुए भी नहीं बताते या बताते हैं तो आगे नहीं बढ़ाते, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं। मुझे 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 ऐसा लगता है नहीं, सही बात है, कि बिल्कुल सही बात, ये दोनों साइड क्योंकि मतलब गिव एंड टेक वाली बात है। जब तक दोनों में से किसी को भी ईगो नहीं होता है, अच्छी बात है, दोनों में से किसी एक को भी ईगो आ जाएगा तो फिर वो बात नहीं बनेगी फिर। जी, एक और कमेंट मैं मेंशन करना चाहूंगा, हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं पुष्कर नागा जी, जो दुबई में हैं और जी, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं। मुझे नहीं बुलाया था। आपको नहीं बुलाया तो हमें भी नहीं, लेकिन बहुत अजीज हैं, अच्छा, ओके, हम भी उसी इंतजार में। अच्छा, तो सप्तक जोशी मेरे, जी आपके शायद शिष्य हैं, अच्छा, हाँ, आपके लिए एक ये मेरे ख्याल सवाल से है गुरु जी। है। जी गुरु जी, बांसुरी में मीठा और मधुर बजाना हो तो तब कितना रियाज करना चाहिए, और वो कैसे आता है, गुरु के पास बैठ के आएगा या तरीके से रियाज करके आएगा? दोनों चीज़ें हैं, जब तक गुरु के सामने बैठोगे नहीं और गुरु के पीछे पीक पीछे रियाज नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं आएगा। सही बात है। इन्नी भाई आपको, आपके आपने जो उनको अप्रिशिएट किया उसके लिए उन्होंने ये। जी, ये आपके लिए गुरु जी, आपका सिखाने का नजरिया सबसे अलग है, ये ये बहुत शेखर जी अच्छी को बात बैठे है, हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि शागिर्दों को अपने गुरु के लिए वो ईमानदारी तालीम के लिए दिखती है और दिख रही है, और गुरु भी ईमानदारी से सिखा रहे हैं। आज की जनरेशन जिस ईमानदारी से उन्होंने सीखा, आज की जनरेशन मतलब इन द सेंस कि मैं 20-21 साल के जो यंगस्टर्स हैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन उनके पहले की जो जनरेशन है, जो जिनकी शायद उनको 30 इयर्स या 35 इयर्स हो चुके हैं या ऑलमोस्ट 40 छूने वाले हैं, उनको भी आजकल काफी लोग यंग जनरेशन करके पेश करते हैं कि भाई यंग मुझे भी जनरेशन। कहते हैं, मैं अभी 50 क्रॉस किया फिर भी मुझे भी कहते हैं आप यंग जनरेशन में, कि यंग जनरेशन तो फिर तो वो तब होता है जब उनको पेमेंट कम देना होता है ना, तो ऐसे बातें करते हो। मैं अच्छा ऐसा अच्छा, हमारे साथ जानू, विभा मेरी एज जी भी जुड़ी बता हैं। विभा जी, नमस्कार। विभा कपूर जी आप शायद जानते हो आईसीसीआर में। जी, मिलाए भी हूँ उनसे, जी, तो विभा जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा इस सीरीज में जुड़ते हैं। इन्नी भाई भी क्योंकि इस सीरीज को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और लाजवाब तरीके से कर रहे हैं, और विभा जी हमेशा उनकी भी सीरीज में आते हैं, हमारे भी जुड़ते हैं, तो जी, उनका ये बहुत इंकरेजमेंट उनकी तरफ से मिलता है, तो ये अच्छा लगता है। नहीं, मैं मिला थैंक था यू उनसे, जी, तो आया था उनके में से, उनसे मिलके। थैंक यू सो मच विभा जी। नए जी, एक सवाल और विनोद जी के लिए, नए कलाकारों के लिए क्या मैसेज देंगे यार? आपकी फेवरेट राग कौन सी है और किससे सीखी? ये दो प्रश्न है एक ही कमेंट में। जी, नए कलाकारों को, मतलब मेरे ख्याल से आजकल के जो जनरेशन, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल का जनरेशन, उनको पता है कि उनको क्या करना है, क्या चाहिए, जी काफी एडवांस है। काफी एडवांस है और काफी फोकस है वो, उनको ये चाहिए तो चाहिए और वो करते हैं। तो एक ही कहूँगा कि मतलब रियाज करते रहना है, अच्छे गुरु से सीखना है, जी और दिमाग सातों आसों पर नहीं रखना है, जमीन पर रखना है, पैर बहुत जमीन पर रखना बहुत है। जी, तो ये अच्छी एक मैसेज है। और जो आपके शागिर्द आपसे पूछ रहे थे कि वो मीठा मिठास और वो कैसे आएगी, उनके लिए भी कुछ आप, क्योंकि वो सवाल मेरे ख्याल से रह गया कि जी, ये मिठास मिठास कैसे आएगी। वो भगवान दे देता है,
क्योंकि हर एक की आवाज अलग है तो फूक भी अलग है। तो जी एक ही उसका उत्तर है, रियाज करके। जी वाह वाह रूपक भाई, माशाल्लाह आपने तो पूरा काफी दौर देखा है, और उस दौर में आपने बेहतरीन से बेहतरीन फेस्टिवल्स बजाए हैं, जी म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, और खुद परफॉर्म किया है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी बहुत काम किए हैं, और इसी के चलते चलते आपने आकाशवाणी में भी काम किया। जी तो आकाशवाणी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि जो वहाँ काम करने से आपको कैसा लगा, और क्या एटमॉस्फियर आपने वो दौर देखा है कि जिस वक्त कलाकार आकाशवाणी में भरे रहते थे एक जमाने में, जी और सब अच्छे अच्छे कलाकार लोग। वैसे मैं जब ज्वाइन किया तब अच्छे कलाकार बहुत कम बचे थे, अच्छा मगर एक तो मेरे सामने मैं कह सकता हूँ स्ट्रगल तो मैंने वैसे नहीं किया, जो प्रोग्राम्स अपने आप आते गए होते गए, मगर एक कहावत है कि जिसने आकाशवाणी ज्वाइन किया उसका संगीत मर जाता है, अच्छा उसमें जो संगीतकार है वो मर जाता है, क्योंकि फिर एक वो आता है ना कि अभी सुकून आ जाता है कि मैंने बैठ के पैसा आएगा, अभी रियाज क्या करना है, गप्पे मारो चाय पियो ये करो। तो जिस दिन मैंने आकाशवाणी पे रखा 1989 9 नवंबर, तो अच्छा मैंने जैसे एंटर किया तो उस पूछा कि अरे रूपक वाह आ जाओ आ जाओ, सब मुझे जानते ही थे, चाय पीते। तो मैंने कहा कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, क्योंकि अच्छा चाय पीता उनके साथ तो फिर फिर वो कंटिन्यू मुझे रहती। 4-5 बार बाहर जाके चाय पीना पड़ता था, तो मैं कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो काट पहले ही मैं उस चीज को काट दिया वहां से। दिया, बहुत अच्छा अच्छा तरीका, अच्छा है। मेरे मित्र थे पंडित है अभी भी, मतलब पंडित राजेंद्र वर्मन जी, तो वो हमेशा कहते थे कि मैं आकाशवाणी में आता हूँ पॉकेट मनी के लिए। तो मैं भी मतलब बात सही थी, क्योंकि जब भी काम होता था मैं काम भी किया, कि ऐसे नहीं किया कि काम है मैं भाग गया, या जब काम खत्म होता था तो मैं जाके रियाज करता था। तो मैं यही सोचता था कि मुझे रियाज के पैसे मिल रहे हैं, एसी कमरा सब। जी नमस्कार सिद्धार्थ भाई, आपको नमस्कार कह रहे हैं, सिद्धार भाई। और अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र हुआ था, देखिए। जी, सिद्धार्थ भाई स्वागत गुजार है। सिद्धार्थ भाई माशाल्लाह हरफन बोला है, ये भी हमारे इस शो में जल्दी आने वाले हैं, बहुत क्या जल्दी बात है, इनको इनको लेके आना नहीं है। नहीं बहुत मजा आता है जी उनसे मिलकर। तो मैं असल बात में कर रहा था भाई जी जी आकाशवाणी की, जो बात कर रहा था उसको, तो ऐसा कहते हैं कि आकाशवाणी में अगर किसी ने सर्विस किया तो संगीतकार उसका संगीत मर जाता है। तो जाता ये मेरे ध्यान में था कि नहीं, मुझे तो मतलब तो नंबर वन पे जाना है, टॉप पे जाना है, गुरुजी के बाद मेरा नाम होना चाहिए, बचपन से मेरा थिंकिंग था। तो मैं रियाज जाके करता था, मगर जो हम बात करते हैं बॉम्बे में रह के सर्विस करना और फिर बजाना उसी लेवल पर रखना बहुत मुश्किल है, मेंटेन करना। जी मेंटेन करना, जी मेंटेन जी उसको बजाना बजाते जाना, हाँ मेंटेन बढ़ाते कर जाना। मगर उसको ग्रो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में रोज 50 किलोमीटर्स ट्रैवल करना खड़े होके ट्रेन में, दो ओहो घंटा 1.5 2 घंटा, और फिर आते वक्त वैसे तो 4 घंटा सफर करके, फिर आके सुबह 4 बजे उठना, 4 से 7 रियाज करना, फिर 8 बजे निकलना, 10 बजे पहुंचना, फिर वहां से 6 बजे आना, फिर रियाज करना। ओहो तो ये मेंटेन करना 28 घंटे और की मैं सर्विस, ये कितने साल कंटिन्यू रहा? 28 इयर्स 28 ईयर, माशाल्लाह माशाल्लाह, और लगता नहीं है देख के आपको, तो भगवान ये की कृपा है। तो नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत कृपा है। ये एक मेरा स्करण था कि वैसा स्करण है, तो ये ऐसा स्करण मैंने किया कि रोज, तो जब जाता था खड़े होकर जाता था हैंडगन पकड़ के ट्रेन में, म्यूजिक के बारे में सोचता था कि राग कौन सा आई, तो सफर निकल जाता था। तो वो भी एक अच्छा था कि एक अपना समय मुझे मिलता था, चाहे भीख में ही मैं अकेला रहता था, मगर अपना समय था। सिद्धार्थ भाई का मैसेज, वन ऑफ द ट्रू मास्टर्स एंड मोस्ट हम्बल ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ, पंडित रूपक कुलकर्णी, इम्पोर्टेंट लिंक ऑफ थैंक द सेवन एसेंस। थैंक यू सिद्धार्थ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।
सिद्धार्थ भाई के लिए बोलेंगे आप? सिद्धार्थ भाई से क्या बोलूँ, वो तो अभी आए थे फरवरी में, तो मिले थे हम साथ में, खाना भी खाया था। जब मैं सब मेरा क्लास हो रहा था शिष्यों के साथ सिख रहा था, तब सिद्धार्थ भाई आए थे। अचानक फ़ोन किया कि आप, मैं आ जाओ मिलने। तो मैं तो पवई में हूँ, तो पवई पवई आता हूँ, तो पवई आ गए थे मिलने के लिए। नहीं, और बहुत बहुत अच्छे बहुत नेक दिल, उम्दा नेक बहुत दिल। उम्दा। और मैंने अभी पिछले कुछ इंटरव्यूज में बोला उनके लिए कि इस जी तरह के जो जो रसिक लोग, मैं रसिक, सिद्धार्थ भाई को के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन वाला या ऑर्गेनाइजर वाला वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो रसिक हैं। और रसिक बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो संगीत के रसिक हैं और वो करना चाहते हैं और वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बहुत अच्छे से करते हैं, और डेडिकेट करके बहुत है वो संगीत के प्रति, और बहुत जेन्युइन पर्सन, बहुत बहुत जेन्युइन पर्सन जी, बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन। और जी मधु जी, उनकी वाइफ भी जी जी और बेटा भी अब माशाल्लाह वो कर रहा है, तो सितार अच्छा बजा। जी। और मेरी बहुत बहुत उनको मुबारकबाद है, और एक बार फिर से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया रूपक भाई के लिए, मैं हमारे लिए। अच्छी वो जो कहते हैं वो करते हैं, बात है। बुलाऊंगा हाँ तो मैं आपको, आपका प्रोग्राम वहाँ करूंगा। तो पूछा, अच्छा मैं हाँ आपका फोन, मैं आप मुझे फोन कीजिए, मैं फोन करूंगा आपको। वो फोन कभी आता नहीं है, तो सिद्धार्थ मैं वैसे नहीं। मैं हालांकि ये इंटरव्यू आपका है, आप ही से सब किस्से सुन रहे हैं, लेकिन मैं किस्सा इसी चीज को मुझे याद आया, और सिद्धार्थ भाई यहाँ मौजूद है इसलिए, और खास तौर पे उन्होंने कुछ कुछ साल पहले फतेह भाई को मुझे बुलाया था, तो जी जी कॉन्सर्ट के बाद या पहले कुछ एक जगह डिनर था, तो वहाँ एक कोई साहब आए, बहुत मतलब वहाँ के नामी लोग थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, और उन्होंने कहा कि क्या उम्दा बजाया मुराद भाई, फतेह भाई, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और उन्होंने कहा कि अगर शंघाई में आधी रात को भी को जरूरत पड़े तो मुझे फोन मत करना। तो हम देख रहे हैं यार ये क्या कह रहे हैं भाई। कह रहे हैं अगर चाइना में और खासकर शंघाई में जरा सी भी आधी रात को जरूरत पड़े तो मुझे फोन मत करना, मतलब पॉज देके उन्होंने कहा मुझे फोन मत करना। बड़े हंसे हम लोग तो, और वो बहुत बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बढ़िया इंसान थे। तो खैर ये तो हम सिद्धार्थ भाई की तरफ चले गए, उनको जब मैं लेके आऊंगा तो ये सारी चीजें दोबारा हाँ रिपीट जी करूंगा। तो वो आकाशवाणी का जिक्र हो रहा था कि आकाशवाणी से जो आपका एक रिश्ता रहा तकरीबन 28 साल का, और उसके साथ साथ आकाशवाणी की वजह से ही तो मेरी शादी हो गई, मतलब मेरी वाइफ भी तो वहां, मुझे वही मिली अरे वाह वाह, ये जी, मुझे आपने बताया, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई कुछ जी। कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ वो फिर सिर्फ ड्यूटी का नहीं जन्मों का रिश्ता बन जाता है। सही बात है, और मेरी मेरी दुआएं आपके लिए और भाभी जी के लिए कि आप खुश रहें, आबाद रहें और सेहत तंदुरुस्ती के साथ ऐसे ही उम्मीद जिंदगी रहती है वो। में। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और मेरी मेरा अगर वो ये कार्यक्रम देख रहे हैं सुन रहे हैं तो मेरा उनको बहुत बहुत नमस्कार और मेरा आदाब है उनको, और उनको मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास कोहिनूर हीरा है रूपक भाई, और जिनके पास कोहिनूर होता है वो खुद कैसे होंगे आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। सही बात तो खैर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, तो हम दोबारा वो आकाशवाणी में आते हैं आपकी शादी के बाद, कि वो एक दौर जो 28 साल आप आकाशवाणी से जुड़ा रहा और साथ में ट्रेवल भी करते रहे बाहर विदेशों में भी और यहाँ, तो मुराद भाई उसमें बताओ, जी मैं बताओ कि मैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि मैं आकाशवाणी में सर्विस काम करता हूँ। चाहे अभी तो अच्छा देखेंगे उनका। चलिए, तो ये एक माध्यम हो गया टेल जी मी अबाउट इट का सीरीज के, जी जी इसके जरिए लोगों को ये पता चल जा रहा है रूपक भाई ऑल इंडिया रेडियो में थे, तो जिनको नहीं पता होगा तो उन्होंने कहा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, उस वक्त हमें आकाशवाणी में जाके कुछ ना कुछ करना चाहिए था। तो वो उस दौर में जो गाना बजाना आपने आकाशवाणी से बाहर किया, और कभी आपने इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री में भी ट्राई किया, हाँ क्योंकि बॉम्बे, मैं देखिए, इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल कि बॉम्बे में
और यह अभी से नहीं, शुरू से रहा है कि जितना हमारे सीनियर मोस्ट कलाकार रहे हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से जरूर जुड़े रहे हैं, चाहे पंडित राम नारायण जी हो, उस्ताद रईस खान साहब, या पंडित जी पंडित जारी प्रसाद चौरसिया जी, या पंडित शिव कुमार शर्मा जी, तो तमाम जो टॉप मोस्ट जो लेजेंड्स हैं, करीम लोग, वो सभी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे। और अभी जैसे राकेश भाई हैं, या साबिर भाई, दिलशाद भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नीलाद्री भाई, पूर्वायन भाई, सब सब मुझे लोग मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। जी तो ये तो पहले से चला आ रहा है कि उस दौर से ही फिल्म इंडस्ट्री से एक जुड़ाव क्लासिकल म्यूजिशियंस का रहा है। तो क्या आप भी बॉलीवुड से जुड़े, या आपको हाँ, कैसा मैं एक्सपीरियंस वहां का ये रहा? कह सकता हूँ कि मेरी जर्नी उनकी थी। जी ये सब लोग फिल्म से क्लासिकल में आ गए, अच्छा क्लासिकल में रह के भी फिल्म में जाके फिर वापस आ गए मैं। जी, अच्छा क्योंकि मुझे गुरु जी ने बताया था कि बेटा तुम जी, फिल्म में कभी नहीं बजाओगे, फिल्म में नहीं नहीं बजाओगे? बजाओगे। जब अच्छा मेरा गंगा बंधन हुआ था तब ये मुझे बताया कि तुम पिक्चर में नहीं बजाओगे। तो अच्छा मैंने काफी साधन वो किया, तो मैंने पूछा ना क्यों क्यों नहीं बजाऊं। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने बहुत सही कहा, क्योंकि मैं अगर उसी वक्त पैसे के पीछे भागता, क्योंकि उसमें तो पैसा कुछ नहीं है, हाँ, और यही कारण कि तो मैंने आकाशवाणी की सर्विस की ताकि मैं सुकून से रियाज कर सकूं। तो अच्छा, दिन भर में कुछ भरोसा नहीं है, सुबह 4 बजे आओ, सुबह 10 बजे आओ, सुबह 9 बजे जाओ, फिर हाँ रात को 12 बजे, तो मैं रियाज कब करेंगे। टाइम वो मेरे टाइम गुरु बहुत, जी थे, हाँ गुरु पैसा जी थे, पैसा गुरु बहुत है। जी थे, गुरु जी शिव जी थे, वो उन्हें कर लिया। मगर ये बात नहीं, क्योंकि जब तक आपका शास्त्रीय संगीत रागदारी आपकी ठोस नहीं होती, आप आगे बढ़ नहीं सकते, और आप किसी को फिर कुछ दे भी नहीं सकते। और फिर मैंने जब सोचा कि अभी तो थोड़ी सी रागदारी सही है, तो मैं भी गुरु जी को पूछा कि गुरु जी अब मैं थोड़ा, क्योंकि मुझे बहुत फोन आते थे कि आओ बजाओ। एक बात बताऊँ आपको, मैं विदुषी किशोरी ताई, किशोर अमोनकर जी ने मेरे बहुत पीछे थी कि तुम मेरे साथ स्टेज पे बांसुरी बजाओ, मेरे रिकॉर्डिंग में बजाओ। मैं उनको मना करता था, वो कहते भी थे, जब जब भी मिलते थे वो गुरु जी को साथ 2-3 बार मिले तब कहते ये रूपक बहुत बदमाश है, मेरे साथ बजाए नहीं। तो नहीं, लेकिन क्योंकि वो गुरु का आदेश था। जगजीत सिंह भी जी भी मुझे काफी वो करते कि आओ बजाओ, मैं कभी नहीं बजाया। लेकिन और उसके उसके पीछे वजह सिर्फ वो ये रही कि गुरु का आदेश था, या आपका खुद की इच्छा नहीं थी उस लाइन में जाने की? गुरु का आदेश था इसमें, क्योंकि पैसा तो हर को अच्छा लगता है कि जितना पैसा कमाओ हाँ, उतना अच्छा नहीं, है। बिसाइड ये, जब जो पैसे वैसे की बात न करके, खुद की इच्छा कभी होती थी कि मैं इन लोगों के साथ बजाऊं होते थे क्योंकि या मैं कमर्शियल बजाऊं? हाँ होते थे क्योंकि बाकी मेरे सब जो दोस्त थे वो तो बजाते ही थे, वो पूरा उनका जेब भरा हुआ रहता था, मेरा तो मेरा उनके जेब में नोट होते थे, मेरे जेब में कॉइन्स होते थे। नहीं भाई, लेकिन तो वो गोल्ड कॉइन्स होंगे नहीं ना, वो मुझे वो उसका रागों के, बिल्कुल रागदारी के। नहीं, हाँ वो मुझे उसका दुख है ही नहीं, क्योंकि वो जो ये जो फिल्म लाइन है वो छोड़ने की है, पकड़ने की नहीं है हाँ, नहीं इसमें मतलब एक सब। एक वक्त के बाद, जैसे सीनियर मोस्ट कलाकारों ने भी यही किया कि एक तजुर्बा लिया। हाँ मैंने ये एक तजुर्बा देखा, सही बात है कि मैं ये वो भी कर सकता हूँ, क्योंकि जी ऐसा भी होता है कि ये फिल्म वाला है इसको क्लासिकल नहीं आता, ये क्लासिकल वाला इसको फिल्म का नहीं आता है कुछ। तो मैं सोचा कि ये भी मैं करके देखूँ तो मुझे आता है नहीं आता है, वो बखूबी मुझे आ गया, मतलब लोकेशन लिख के बांसुरी का स्केल चेंज करके बजाना सब सब उसमें आ गया। तो मैं बहुत अपने आप बहुत को अच्छी बात है। 10 साल बजाया मैंने, फिर 2005 में मैंने 1995 से 2005 तक बजाया, फिर मैंने बाद राम राम किया। आपके एक शिष्य ने मेरे ख्याल से ये मैसेज दिया, अ वेरी वही हैप्पी एंड सब ब्लेस्ड है। म्यूजिकल हाँ जर्नी। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू बेटा, मैंने तुम्हारा वो मोर अपन कभी भी रखा है मेरे मोबाइल में, हाँ उसने मुझे और मोर दिया मैंने जो कहा अरुण साठे जी ने उसको कंफर्म कर दिया। है। थैंक यू अरुण जी। आलोक भाई हैं, आलोक आनंद जी जो शहनाई बजाते हैं,
और जी बहुत जी वो आला कुछ काम कर रहे हैं। कलाकार भी बहुत अच्छे हैं और बहुत खूबसूरत काम है इनका और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आलोक जी वो कलाकार को कलाकार से लोकेश जी साक्षात्कार, आप लोकेश जी। चश्मा लगा लीजिए आप। हाँ नहीं, वो थोड़ी गर्मी, हाँ दिल्ली में गर्मी ज्यादा है ना, तो संगीत की चर्चा से हटकर कोई और चर्चा नहीं होती है। दर्शक व श्रोताओं का आनंद बना रहता है, हृदय से आभार मुराद। अच्छा ये तो मेरे ही दिन लिख रहे हैं। हाँ थैंक यू लोकेश भाई। अरुण प्रकाश जी ने आपका पहला कार्यक्रम कलकत्ता में देखा 87 में। रूपक कुलकर्णी जी, हर्ड यू इन 1987 फर्स्ट एट विवेकानंद हॉल कलकत्ता। जी 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 पंडित जी, ये बड़ी अच्छी बात है। रूपक भाई, आपको नहीं लगता है कि गुरु को अपने शागिर्दों को इतनी एक्सपोजर देनी चाहिए कि वो अलग अलग लोगों के साथ बजाकर खुद सेल्फ एक्सपीरियंस लें? मतलब मैं ये प्रश्न समझ नहीं पाया एक्चुअली। अभी जैसे जिक्र हो रहा था कि भाई एक गुरु का आदेश होता है कि नहीं तुम ये नहीं करोगे या ये वहां नहीं बजाओगे या इसके साथ नहीं बजाओगे, तो सवाल ये है कि क्या ऐसा नहीं गुरुओं को चाहिए कि ये सेल्फ एक्सपीरियंस शागिर्द को करने दें कि उसको वो जगह पसंद आती है नहीं आती है, या उसके माफिक उसके फेवर में होगी या नहीं होगी नहीं बात सही वो? है, ये बहुत सही है, मतलब ये होना ही चाहिए। मगर ये बात भी है कि उन्होंने बाकी किसी को मना नहीं किया, सिर्फ मुझे मना किया। हाँ लेकिन मतलब वो उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा होगा ये। हाँ क्योंकि ये सवाल उनके लिए नहीं है, ये सवाल मेरे शागिर्द को मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जो करना है कीजिए, क्योंकि आप बांसुरी तो बजाओगे और जब तक जी। आप देखिए मेरे। हाँ गुरु जी गुरु का आदेश तो बिल्कुल उनको मानना चाहिए। और ये जो सवाल है ये पंडित जी के लिए नहीं है, एक जनरल बात हो रही है, वो किसी भी मैं गुरु को लिए हो सकता है, वो आपके लिए भी तो हो है। सकता है, मेरे लिए भी हो सकता है। हाँ तो कि अगर कोई शागिर्द के पास कोई ऑफर आता है कि जी मुझे फ्यूजन बजाना है, मान लीजिए मिसाल के तौर पर, हाँ जी तो मुझे फ्यूजन पसंद नहीं है इसलिए मना किया जा रहा है, या उसको खुद उसका एक्सपीरियंस लेने दिया जाए, बाद में वो खुद आकर कहता है कि गुरुजी आप मुझे मजा नहीं आ रहा फ्यूजन में, मुझे क्या करना चाहिए? तब गुरु कहे कि मैं तो जानता था बेटा, लेकिन मैं चाहता था कि तुम इसका एक्सपीरियंस लो, इसका तजुर्बा, कि सही बात सही बात। वो हाँ ये बात तो है, क्योंकि मैं वही कह रहा था कि गुरुजी ने सिर्फ मुझे मना किया था, बाकी तो उनके सब शीशे बजाए रहे थे पिक्चर में, जी पीछे उनका कुछ जी सोच भाई, होगा। अगर जी 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 मैं मेरे क्यों सोचता उनके बारे में कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा मुझे बजाना ही चाहिए, तो फिर मेरे अंदर वो बात रह जाए। फिर गुरुजी ने भी देखा कि मैंने नहीं बजाया, तो उनके वे भी हो रहा है कि ये मुझे समर्पित है, ये करेगा जो मैं चाह रहा हूँ वो करेगा। क्योंकि कभी हाँ कभी गुरु मतलब चाहता है वो, मतलब शिष्य उसको समझ नहीं पाता है हाँ, उसको और वो कुछ। कभी कभी उस्तादों का ये भी होता है कि यही वो शागिर्द है जो मेरी बात मान सकता है, तो करेक्ट मैं इसी को कहूँ ये बात, करेक्ट है ना। विभा जी का एक क्वेश्चन है, क्या गुरु की इनसिक्योरिटी सम बेहतरीन शागिर्दों को अलग से प्रोग्राम नहीं करने देती? जी ये बात भी है, मगर ये गलत बात है। ये बात तो है, ये बात तो होती है, हाँ मगर ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर शिष्य आपका अच्छा बजाएगा तो आपका ही नाम होगा। जी जी ये असल में क्या है कि मैं बताऊं आपको कि ये पूरी हमारे जो कल्चर में ये इस तरह का, चाहे पहले होता होगा या नहीं होता होगा, उस दौर में तो हम नहीं थे, लेकिन इस दौर में उस दौर के मुकाबले में पॉपुलेशन के साथ साथ कलाकारों की भी बढ़ोतरी हुई है, और जी अच्छे अच्छे कलाकारों की बढ़ोतरी हो रही है, जिसको देखें आप वो अच्छा गा बजा रहा है, लेकिन सही अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल पाती, और अगर वो कोशिश करते हैं तो कुछ उसमें अड़चनें आ जाती हैं, कोई पॉलिटिक्स हो जाती है, कुछ लॉबीज हो जाती है, कहीं गुरु नाम देते हैं कहीं गुरु नाम नहीं देते, तो उस चक्कर में उस कलाकार को वो भुगतना पड़ता है कि जो जो नहीं होना चाहिए, जो डिजर्विंग कलाकार है उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए।
और ये अगर मतलब किसी एक ने वो अपॉर्चुनिटी दे भी दी तो उसके बाद पता चला कि उसका उसकी ड्यूटी पूरी हो गई, और फिर बैठा हुआ है कलाकार। नहीं वही तो मतलब आपका क्या? विभाजन ने बहुत विभाजन ने बहुत सही शब्द यूज किया है इनसिक्योरिटी, क्योंकि गुरु को इनसिक्योरिटी तभी होगी वो जब खुद इतना उसकी लेवल इतना नहीं हो कि खुद को इनसिक्योर शिष्य से क्यों फील करे, क्योंकि हाँ, फिर या किसी से भी अपना वो काम गुरु देखिए। हो ही नहीं सकता। नहीं किसी से नहीं, शागिर्द से क्यों होगी, क्योंकि बाकी हाँ किसी दूसरे मतलब समकालीन या बराबर के लेवल के आर्टिस्ट से इनसिक्योरिटी हो सकती है। शागिर्द से इनसिक्योरिटी होना मतलब खुद ही इतना तैयार नहीं है, परिपक्व नहीं है गुरु, है जी, ना, खुद ही इतना बैलेंस नहीं है। ये एक और कमेंट आया। ये देखिए, मेरा ये सोचना है कि गुरु के पास शागिर्द को तालीम और डिसिप्लिन मिलती है, लेकिन अच्छे बुरे का तजुर्बा बाहर जाकर ही मिलता है। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मैं दिल से माफी चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि जब तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा उसको अच्छा बुरा पता नहीं चलेगा, जी मगर जी हमेशा वो गुरु का जो गुरु की जो सबक है उसको हमेशा याद रखना चाहिए, है ना। हाँ, देखिए वो जो एक जो घरानेदार लोग हैं या बगैर घरानेदार लोग हैं, जिन्होंने वाकई सालों वो खिदमत करी है उस्तादों की, गुरुओं की, उनको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि आपको वो सबक या वो तालीम या वो याद रखना है। मैं एक शेर अर्ज करूंगा, हालांकि क्योंकि ये इसी टॉपिक पर है कि खुद से चल के नहीं ये तर्ज़ सुखन आया है। खुद से रूपक भाई, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही आ रही है। जी, तो खुद से चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। तो ये जो जो खिदमत गुजार शागिर्द होते हैं, वो चाहे ये तो शायर ने कह दिया, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है, लेकिन अलग अलग लोगों ने सेवाएं करी हैं, घर के काम करे हैं, कूड़ा करकट भी फेंका है, ये ले आओ वो ले आओ, तो वो एक सेवा गुरु की या गुरु के घर वालों की करने के बाद कलाकार निकल के बाहर की दुनिया देखता है। लेकिन ये सब खिदमतें करने के बाद, तालीम लेने के बाद, अगर उसको फिर रोक दिया जाए कि तुमको ये सब कर तो दिया है लेकिन अब तुम बाहर नहीं निकलोगे, तो नहीं कल एक्चुअली कल हमारा एक सेशन और था, तो मेरे बड़े अजीज मित्र हैं धीरेन्द्र जी, उन्होंने बड़ी अच्छी मुझे वो उसी में मिसाल दी। इन्नी भाई उसको उस सेशन को कर रहे थे, तो मुझे उनकी मिसाल बहुत अच्छी लगी कि आप दिए को कब तक ऐसे छिपाए रखेंगे, सही बात है। थोड़ी देर के बाद आपका हाथ खुद ही जलने लगेगा, आप हाथ हटाएंगे और वो रोशनी निकलेगी। सही बात, सही तो बात है। मुझे ये बड़ा पॉजिटिव आंसर उनका लगा। अक्सर कलाकार इस चीज को बोलने में झिझकते हैं। झिझकते हैं, नहीं बात सही है। मैं तभी जब हमारी शुरू बातचीत में शुरू हुई थी, पॉलिटिक्स तभी भी था, मतलब 200 साल पहले भी था, तो अभी भी है, मगर अभी चूंकि अपॉर्चुनिटीज कम है और अभी मतलब अपने पुत्र पर प्रेम बहुत ज्यादा होता है आजकल, तो क्योंकि पुत्र इतने माहिर नहीं होते जितना शिष्य होता है कभी कभी, तो ये बात तो आ ही हाँ जाती जी, है, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए ये तो ऊपर वाला किसी किसी को देन देता है, कभी पुत्र अच्छे निकलते हैं, कभी शागिर्द अच्छे निकलते हैं। ये जिसको ऊपर वाले की देन हो, ये तो उसी को वो तोहफा मिलता है। सही तो बात है। हम आप यही दुआ कर सकते हैं कि भाई और ये जितने लोग बात मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ संगीत में नहीं है, हर एक क्षेत्र में है, आप हर जी क्षेत्र में देखिए, वो तो जी है ही बात जी है, बस मगर ये इसको दुआ कर नजर सकते हैं। हाँ इसको नजरअंदाज करके हमको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये कितना दिन जाएगा। जैसे बहुत अच्छी बात कही थी, दिया ढकेंगे तो हाथ जलेगा ही, तो ये बात जी, बहुत पॉजिटिव बात है ये। बहुत पॉजिटिव है, और इसको जो यंग जनरेशन को सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसा कुछ कर भी रहा है आपके साथ, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का इंसान हो, वो लॉबीज के हो या बगैर लॉबी के हो या कुछ भी कर रहे हो, वो कब तक ऐसा करेंगे? अगर बिल्कुल आपके नसीब में वो तरक्की लिखी भी है तो वो हाथ जलेगा जरूर। सही बात है, बिल्कुल। तो और आप बहुत अपना बहुत पॉजिटिव मुझे लगा।
आप अपना काम इतना ऊंचा कीजिए कि हाथ जले ही जाए सबका। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमारे कुछ कमेंट सीधा आ गए हैं, क्योंकि माशाल्लाह मुझे बड़ा जी, अभिराम नंदा जी, जी, ये मेरे गुरु भाई है, भुवनेश्वर में रहते हैं। रूपक भैया प्रणाम। आपके जैसा इतना बड़ा आर्टिस्ट और इतना डाउन टू अर्थ शायद बहुत कम देखे, जितना तारीफ करूं कम है, माशाल्लाह। और ये बिल्कुल सच बात है कि रूपक भाई बहुत डाउन टू अर्थ हैं और इतने अच्छे और इतने बड़े कमी इतना कलाकार। होता है कि बहुत ज्यादा मैं जमीन के नीचे मुझे मैं चला जाता हूँ, इतना भी नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। नहीं, लेकिन जहाँ जितना आप हम्बलनेस आपके अंदर है वो बहुत बहुत अच्छी है, और उसकी लोग तारीफ भी करते हैं, और वो आपकी पर्सनालिटी में और आपके काम में झलकती है। और हमारे दामोदर भाई कुछ कह रहे हैं, हर शिष्य को ये याद रखना हर समय जरूरी है कि उसकी हर दाद में गुरु जीवंत होकर निखरता है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा होने पर गुरु खुद शिष्य पर फिदा होकर सारा खजाना आशीर्वाद के रूप में खोल देता है। दामोदर भाई आपने बहुत अच्छी बात कही, मगर संगीत की चीज किसी की जागीर नहीं हो सकती। जी संगीत किसी की जागीर नहीं है, क्योंकि गुरु के प्रति तो हम समर्पित कर सकते हैं, मगर गुरु को भी उतना ही शिष्य के लिए सोचना होगा। मतलब जी जितना अपने पुत्र के लिए या पुत्री के लिए सोचते हैं, उतना ही अपने शिष्य के लिए भी सोचना होगा, तभी बात बनेगी। क्योंकि कभी वाह, कभी गुरु का नाम पुत्र बहुत से अच्छी नहीं बात, होता, होता है। बहुत अच्छी बात। और क्या होता है कि मैं एक मिसाल दूं कि कोई अगर संग तराश, जो जो उसको क्या बोलते हैं कि जो मूर्ति बनाता है, उसने बहुत खूबसूरत मूर्ति बना के तिजोरी में रख दी और कहा मैंने इतना खूबसूरत ताजमहल बनाया था, ये इतनी खूबसूरत मूर्ति बनाई थी। अरे, लोगों को कैसे पता चलेगा जब तक आप उसको दिखाएंगे नहीं, सही बात। तभी तो अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, वो दिखाने की नहीं है, लेकिन वो है ऐसा लाजवाब कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा बना पाए। अरे तो भाई दिखाइए जी। मैं हमेशा तो यही सोचता हूँ कि गुरु और शिष्य दोनों को एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे को जी पॉजिटिव वाइब्स देने चाहिए, तभी संगीत भी आगे जाएगा। और गुरु बिल्कुल, उनको तो ये समझना चाहिए कि सिर्फ हमारे फैमिली के लिए, मतलब पुत्र या पुत्र के लिए नहीं सोचे, शागिर्दों के लिए भी सोचे, क्योंकि शागिर्द भी गुरु का नाम ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं, पुत्र से या किसी से भी, और ऐसा हुआ भी है, ऐसी मिसालें भी हैं, ऐसा में भी है। और एक दो मिसालें नहीं है, ये तो शुरू से चला आ रहा है कि कभी वो बड़े भागवान लोग होते हैं कि जो कभी कभी अपने परिवार के किसी गुरु या उस्ताद से ज्यादा नाम कर जाए। करें, सही बात। लेकिन ज्यादातर ये हुआ है कि जो शागिर्द हैं उन्होंने गुरुओं का नाम आगे बढ़ाया, उनकी सही बात, तालीम उतनी ईमानदारी से गुरुओं ने दी, और उसी ईमानदारी से शागिर्दों ने उसको सही बात है, पूरी दुनिया में पहुंचाया और वो नाम हुआ। सही तो बात। ये बात तो दोनों तरफ का है कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता एक अनोखा रिश्ता है, वो यूं भी है कि गुरु को पता होता है कि शायद मेरी जो तालीम है वो मेरे शागिर्द बढ़ाएंगे, इसलिए शागिर्दों को बताया भी जाता है, सही बात, वरना बाहर लॉक लगा दिया जाए कि नहीं, शागिर्दों के लिए हमारे पास कोई जगह है नहीं। तो और अगर किसी के परिवार में उनकी जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है म्यूजिक या नृत्य चला आ रहा है या कोई भी आर्ट फॉर्म चली आ रही है, और उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसकी उसकी जो जगह है, उसकी जो डिग्निटी है उस म्यूजिक की, उस संगीत की, उसको वो बरकरार रखे हुए, और उसमें दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है, तो फिर तो सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये तो कुछ स्पेशल दुआ लगी हुई है सही बात, उसकी। तो वो अपनी फैमिली का जो फैमिली ट्री है वो बढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ अपने बुजुर्गों का नाम कर रहे हैं। सही बात, तो फैमिली ट्री बढ़ रही है और बुजुर्गों का नाम हो रहा है, और उधर शागिर्द फैमिली ट्री के बजाय सिर्फ गुरु का नाम कर रहे हैं आगे, सही उस बात। घराने को लेके जाना। तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप से मेरा एक और सवाल है कि माशाल्लाह इतने जो आपने साल सेवा करी है, गुरुओं की करी, फिर गुरुओं के बाद फिर जब दौर आप मार्केट में आए तो आकाशवाणी की 28 साल सेवा करी, तमाम जो बाहर विदेश में हो या अपने इंडिया में हो,
संगीत के कार्यक्रम किए, अब जाके आपको इतने तजुर्बे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी आपको लगती है कि आर्ट फ्रेटर्निटी में कुछ चेंजेस आने चाहिए, या जरूरी है कि क्या क्या बदलाव आ सकते हैं या आने चाहिए आफ्टर दिस COVID-19? अभी तक तो जो हुआ वो हो गया, अब ये कोरोना काल के बाद तो एक नया सफर शुरू होगा। एक नया आयाम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर अभी डिजिटल सब वर्चुअल उसमें आ जाएगा, ऑनलाइन ज़्यादातर मेरे ख्याल से ज़्यादा आ जाएगा। मगर हर एक जी कॉन्सेप्ट पे होगा तो अच्छा रहेगा, ताकि और दूसरी बात कलाकार, ऑर्गेनाइजर और दूसरी बात ऑर्गेनाइजर में ये प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए कि मुझे ये पसंद है तो इसका ही प्रोग्राम रखूंगा, ऐसा बहुत होता है। हाँ जी जी तो जी ये बात नहीं होना चाहिए कि सबका सुनो, मतलब सबका राय लो, और एक ही आर्टिस्ट को अगर आपने एक को अभी शेड्यूल किया तो दूसरे में दूसरे को कीजिए, यानी कि एक को ही आप बार बार शेड्यूल किया है, तो हाँ ये मेरे ख्याल से इसमें चेंज होना चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात है। और जो नए कलाकार हैं, जो नए कलाकार, मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ कि नए कलाकार आजकल लोग 20 से लेके 35-40 तक भी नए कलाकार मानते हैं लोग, फिफ्टी तक जबकि भी जो 50 तक भी मानते हैं। जी, हालांकि ये थोड़ा सा अजीब लगता है, हम जब लोग कहते हैं कि भाई हम ये नए कलाकार है, पता चला कलाकार की उम्र 40+ है, तो वो थोड़ा सा फील करता है कि यार मुझे इस उम्र में भी नया कलाकार करके पेश किया जा रहा है। बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बहुत कम ऐसे सीनियर कलाकार हैं जैसे आप हैं या और कलाकार हैं जो अपने से छोटे कलाकारों के लिए, छोटे मतलब अपने से उम्र में छोटे कलाकारों के लिए या अपने से यंग कलाकारों के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत सराहते हैं, बल्कि उनको उस स्टेज पे लाके खड़ा कर देते हैं कि नहीं, ये वो और हम बराबर हैं, ताकि जो सामने वाले लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, वो उसको अप्रिशिएट करें और वो सोचें। मैं हमेशा अपने एक इंटरव्यू में जाकिर भाई का भी जिक्र करता हूँ, शुभा जी का भी जिक्र करता हूँ, राशिद भाई का भी जिक्र करता हूँ, क्योंकि मेरा रابطा कुछ ही ऐसे कलाकारों से हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और नहीं होंगे, जरूर ऐसे कलाकार और भी होंगे कि जो इनकरेज ज्यादा अच्छा करते हैं कलाकारों को, लेकिन मेरे अपने लाइफ में ये कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से कलाकारों को इनकरेज किया है। सही बात, मेरे गुरुजी का ही जिक्र कर रहा हूँ मैं। गुरुजी हमेशा सबकी तारीफ करते हैं, मतलब बहुत बढ़ावा देते हैं वो। मतलब मैं बताओ, मैं मेरे बेटे को लेके गया था उनके पास, क्योंकि वो बांसुरी भी अच्छा बजाता था और गाना भी अच्छा गाता था। तो जी उन्होंने दोनों बैठ के दोनों सुना उसका, फिर बताया कि जी नहीं गाना कराओ, क्योंकि गाने में उसकी रुचि है, गाना आवाज़ अच्छी है उसको, तुम उसको गाना कराओ। और वो जब भी जाता है या जब भी फोन पे बात होती है, उसको बहुत, सिर्फ मेरे बच्चे को नहीं, सबके बच्चे को, उनके घर में जो नौकर है उनके बच्चों को भी वो बहुत जी बढ़ावा देते हैं। तो ये जो जी उनकी पॉजिटिविटी है वो मैंने बचपन से देखी है कि सबको बढ़ावा दो, किसी को डिमोरगनाइज मत करो। जी एक सवाल आपके लिए, रूपक भाई, अवार्ड्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि सभी डिजर्विंग आर्टिस्ट को अवार्ड दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे अभी तक एक भी नहीं मिला। देखिए, तो अब आप ये सोचें कि रूपक भाई को ये अवार्ड नहीं मिला है, ये बड़े दुख की बात है, या आप जैसे और भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं बहुत सारे कि जो डिजर्विंग हैं और लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी वो नाम अपने से कभी रिकमेंड नहीं करते। यार ऐसा ना हो कि मैं नाम लूंगा तो कहीं अवार्ड ना मिल जाए। सही बात, सही बात। अगर मैं किसी यही के से जी फैमिली के लिए सब बगाना जाते हैं ना, तो उसमें ये बात सब हो जाती है। नहीं, लेकिन आप बहुत डिजर्विंग आर्टिस्ट हैं और सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपको तो बहुत पहले ये कुछ अवार्ड्स, जो प्रेस्टिजियस अवार्ड जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, वो जी बहुत पहले मिलने चाहिए थे। और जितने भी ऐसे कलाकार हैं जो डिजर्विंग हैं, उनको सबको वो अवार्ड्स मिलने जी चाहिए, क्योंकि वो जो एक जर्नी कलाकार करता है, वो उसको खुद को पता होती है, वो दूसरों को नहीं पता होती कि वो किस जगह से और किस तरह के से मेहनत करके वो उस मकाम तक पहुंचा है। बात,
फिर भी मैं कहता हूँ कि अवार्ड मिलना नहीं मिलना सब नसीब की बात होती है। कौन किसका क्या रिकमेंड करेगा, क्या करेगा, वो तो वो भी कुछ कह नहीं सकते। फिर भी अगर गिजरन है तो कभी ना कभी मिल ही जाएगा। विभा जी ने ये लिखा है कि क्या अवार्ड्स के लिए लॉबी किया जाता है। जरूर किया जाता है, क्यों नहीं? आवाज बने इसलिए जी कि लॉबी किया जाए। जी खैर, मैं मुझे ऐसा लगता है कि वो लॉबीज जो हैं मुझे वो पसंद नहीं है। इसका मतलब ये समझा जाए कि अवार्ड्स में भी लॉबी सिस्टम है, पार्शियलिटी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं। हाँ जी, होती है होती है, क्योंकि मैं किसी को अभी कर नहीं हूँ तो मुझे अभी तक मिला नहीं है, तो आप समझ जाइए। नहीं तो ऐसे ऐसे तो बहुत, जो आप जैसे डिजर्विंग कलाकार लॉबीज में अगर नहीं है तो अवार्ड्स नहीं मिलेंगे, ये बड़ी दुख की बात है। और उन सभी कलाकारों को जो जूरी में है या जो ऑफिशियल्स लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो डिजर्विंग कलाकार हैं और जो जो वेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे कुछ ऐसे भी कलाकार हैं कि जिनको बहुत जल्दी भी मिल गया सही बात है। है ना, नहीं, मेरा तो अवार्ड के प्रति ये है कि अवार्ड नहीं मिले, नहीं मिले मिले अलग बात है, मगर एक्नॉलेजमेंट मेरे होना दो चाहिए। नहीं, मेरे दो शिष्य ऐसे तैयार हो जाए, दो शिष्य ऐसे तैयार हो जाए, बस वही मेरे लिए अवार्ड है। ये तो बहुत अच्छी, ये तो एक अच्छे कलाकार की अवार्ड खूबी होती तो है। आपको याद ही नहीं कि कब किसको क्या मिला है, मगर जब हाँ 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 शिष्य मिलेगा तब होता है कि हाँ ये इनके शिष्य है। तो वही, क्योंकि तो नाम रहना जरूरी है। मैं बहुत मेरे जरूरी, नाम रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे शिष्य मेरे मेरा नाम रखे, वो हिसाब से बहुत अच्छी प्रैक्टिस बात, करें। ये मेन अवार्ड है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। बहुत अच्छी बात। मेरे मेरे दादाजी भी ऐसा बोलते थे। जी उनसे भी एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके आपको खास साहब कोई अवार्ड वगैरह से नवाजा, तो आप यकीन मानिए उन्होंने हमारी तरफ, हम सबकी तरफ एहसास कर दिया कि ये अवार्ड बैठे हुए मेरे। तो अच्छे गुरुओं का, वो चाहे मेरे दादा हो या आप हो या और तमाम वो कलाकार जो जिन्होंने कलाकार बनाए हैं, अगर उनको ही एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, और उन कलाकारों को भी जो जो जिन्होंने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, मेहनतें कर करके ईमानदारी से एक जगह पर पहुंचे और उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाए, ये बड़ी दुख की बात है। सही बात। मुराद भाई, हो गया एक जी, घंटे ज्यादा हो गया मेरे जी राजा, जी जी क्योंकि सवाल होते जा रहे हैं। एक ये मुझे भूख लगी है। हरि जी हरि जी जब अपने शिष्यों को नाम से पहले बेटा बोलकर पुकारते हैं, तो मुझे पूर्णतः ये एहसास आनंद होता है कि मुझे कई बार ऐसा सुनने का अवसर मिला। अभी भी मैंने जब जब उनको अभी 1 तारीख को उनका जन्मदिन था, मैंने फोन पे बात की, अभी भी हाँ जी बेटा कैसे हो, फिर वाह, 5 तारीख नहीं, अच्छे, को हम, तो हमेशा मुझे बेटा करके ही बुलाते हैं, मतलब फिर उसी में सब आ गया, और की जरूरत क्या है फिर। नहीं बहुत अच्छी बात है। और ये हमारी दुआ है कि ये प्यार मोहब्बत और ये इज्जत और ये गुरु के प्रति और गुरु का शिष्य के प्रति जो रिश्ता है, ये अल्लाह मियाँ जिंदगी भर कायम रखे और आपको अच्छा रखे, खूब तंदुरुस्ती के साथ, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया रूपक भाई, धन्यवाद हमारी मुराद एकेडमी भाई, गुरु आपने प्रदीप शंकर जी एकेडमी की तरफ से और जी सौरंग परंपरा म्यूजिक सोसाइटी की तरफ से, मैं दोनों की तरफ से बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। और जल्दी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, रूबरू संगीत की बातें होंगी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत बहुत नमस्ते, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आदाब। धन्यवाद।